दोस्तों कंगना रनौत अपनी स्टेटमेंट्स को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती है। कई बार सोशल मीडिया पर भी वो बेबाक बातें बोल देती है। यही वजह है कि साल 2021 में उनका ट्विटर यानी एक्स अकाउंट बैन कर दिया गया था। हालांकि फिर 2 साल बाद बैन हटा दिया गया। एक बार तो कंगना ने बताया था कि उनके पोस्ट की वजह से उनके खिलाफ 200 FIR दर्ज हुई थी। अब कंगना का ये स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहा है। दरअसल कंगना ने कपिल शर्मा के शो में इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था, जब कोरोना नहीं था तब मैं अच्छा खासा बिजी थी। जैसे ही कोरोना हुआ मैं ऐसी वैली हुई, लॉकडाउन लगा तो मैं ट्विटर पर आई, और जैसे ही लॉकडाउन खुला ट्विटर ने मुझे बैन कर दिया। मैं 6 महीने भी सर्वाइव नहीं कर पाई। मेरे पर इतने केस हो गए, कम से कम 200 FIR मेरे पर हर दिन होती थी। उसके बाद उन्होंने मुझे खुद ही ट्विटर पर बैन कर दिया और मैंने सोचा चलो बला टली। दोस्तों आपको बता दे, कंगना अब फिल्म इमरजेंसी में नजर आने वाली है। इस फिल्म में कंगना ने ना सिर्फ एक्टिंग की है बल्कि इसे डायरेक्ट भी किया है। फिल्म में कंगना ने इंदिरा गांधी का किरदार भी निभाया है। तो ये दोस्तों कंगना रनौत पर 200 FIR के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।